प्रदेश में 4000 सरकारी बैंकों की शाखाओं में आज से हड़ताल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कहना है कि वेतन समझौते की मांग को लेकर ये 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिससे प्रदेश में 20,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। इससे पहले कल शाम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने IBA और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो बता दें कि 4000 सरकारी बैंकों की शाखाओं में आज से हड़ताल है, जिससे 20,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित रहेगा। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कहना है कि वेतन समझौते की मांग को लेकर ये 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विमल कोठारी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। विमल, कहां कहां फिलहाल ये हड़ताल देखने को मिल रही है अभी? देखिए, ये जो बैंक कर्मचारी की हड़ताल है, इसका सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक बैंकों पर है। निजी क्षेत्रों के बैंक खुले हैं, लेकिन चूंकि सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक दोनों मिलकर बैंकिंग करते हैं, अर्थात निजी बैंक भी बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं कर पा रहे। इस समय हम तिलक मार्ग SBI की ब्रांच के बाहर खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि वो जरा दर्शकों को दिखाएं या ब्रांच की क्या पोजीशन है। ब्रांच के बाहर जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। इसके अलावा जो बैंक का ब्रांच का जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट पूरी तरह से बंद पड़ा है। बैंक ब्रांच के अंदर एक व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस हड़ताल को लेकर के कर्मचारी बेहद संजीदा हैं और कर्मचारी इस हड़ताल का सफल होने का दावा करते हैं। हमें जो यूनाइटेड फोरम के राज्य इकाई के संयोजक से जानकारी मिली है, उसके हिसाब से राजस्थान में करीब 4000 बैंक शाखाओं में कारोबार बंद रहेगा और 2 दिन में 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार प्रभावित होने की उम्मीद की जा रही है। देखने वाली बात यही है कि आखिर इस हड़ताल के माध्यम से क्या बैंक कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि की मांग को सरकार से मनवा पाते हैं या नहीं। जी विमल, लेकिन कब से ये जो मांग है वो शुरू हुई है, ये वेतन की वृद्धि को लेकर, जिसे ना IBA ने माना है ना ही सरकार ने माना है? जी, ये वेतन वृद्धि की मांग तो 1 साल पुरानी है। मतलब नवंबर 2017 के अंदर नया वेतन समझौता आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि जुलाई 2018 चल रहा है, अभी तक वेतन समझौता नहीं आया है। वेतन वृद्धि को लेकर के जो IBA की तरफ से प्रस्ताव आया था वो ये था कि कर्मचारी को वेतन बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव दिया गया था, जिससे कर्मचारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट चुका है विमल कोठारी के साथ। तो बता दें कि आज बैंकों की हड़ताल है, 2 दिन तक की हड़ताल रहेगी। दरअसल बैंक कर्मियों का कहना है कि 2% जो वेतन वृद्धि की गई वो बैंक कर्मियों के साथ एक मजाक किया गया है, और इसी को लेकर जो है अब उन्होंने ये हड़ताल की है। 2 दिवसीय हड़ताल बताई जा रही है, जिसमें 4000 से ज़्यादा शाखाओं पर इन 2 दिन के दौरान ताला लटका मिलेगा। बता दें कि इससे पहले कल इन बैंक कर्मियों ने जो है IBA और सरकार के खिलाफ भी जो है यहाँ पर जमकर नारेबाजी की थी। और जिस तरह से हमारे संवाददाता विमल कोठारी ने बताया, ये दरअसल मांग जो है वो 1 साल पुरानी मांग है, और 1 साल पहले से ही लगातार इसको लेकर मांग की जा रही है कि उनकी वेतन की वृद्धि को लेकर किस तरह का विचार किया जाए। लेकिन 2% जो वेतन वृद्धि की गई है वो बैंक कर्मियों के साथ जो है एक मजाक बनकर रह गई है, और इसी के बाद जो है आज से देशव्यापी हड़ताल और 2 दिन तक ये हड़ताल चलेगी। और कहा जा रहा है कि करीब इस हड़ताल से जो है 20,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा।